उस समय बीतने पर भगवान लगभग एक वर्ष के हुए और एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई। मैया यशोदा आश्चर्य में क्यों पड़ गई? कहा सुबह सुबह का समय था, लगभग सुबह के 5 बजे होंगे और कम से कम 10-15 गोपिकाएं आकर के मैया यशोदा के दरवाजे खटखटाती हैं। कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा, सुबह से 10-15 लोग आ जाएं 5 बजे से दरवाजे खटखटाएं तो मन में कई प्रकार की बातें आएंगी कि क्या हो गया। तो सुबह 5 बजे से गोपियां आकर के दरवाजे खटखटाती, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया। मैया ने जल्दी से दरवाजे खोले, क्या बात है गोपियों, क्या गांव में कोई झगड़ा हो गया है? गोपियों ने कहा मैया तुम सुबह से अशुभ बातें मत करो। फिर कौन सी बात है, क्या बात है, क्या हो गया, ऐसे क्यों आई हो? गोपियां बोली मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया। मैया फिर बोल पड़ी का कर दियो लाला ने, वो तो अब तक सो रहे है, देख लो। गोपियां हाथ जोड़ के कहती मैया एक बार तुम हमारी बात तो सुन लो। मैया ने कहा चलो बताओ। गोपियां कहती हैं मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया 1 वर्ष को है गयो है। आज कृष्ण का जन्मदिन है और वही नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में लाला ने जन्म लिया था। मैया कहती है अरे आज तो लाला ने करवट भी बदल लिया है। देखो प्रथम जन्म दिवस पढ़ने पर जब ये 3 बातें एक साथ हो जाएं, जन्मदिन हो, नक्षत्र भी वही हो और बालक करवट भी बदले, तो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत कहते हैं कि वह बालक धीर, वीर, बहादुर, धनवान, ऐश्वर्यवान, कीर्ति का धनी होता है। जैसे ही मैया ने सुना कि आज मेरे लाला का जन्मदिन है, मैं तो भूल गई, थोड़े देर तो बैठी रहीं, सोचती रहीं, पर तुरंत मैया गोपियों से कहती हैं और वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कदाचिदौ धानिक कौतुका प्लवे जन्मर्क्ष योगे शमवेत योषिता वादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सुनो रवि से जनम सती। मैया यशोदा कब आश्चर्य में पड़ गई? कदाच दऊ थानिक कौतुका प्लवे, कब आश्चर्य में पड़ी? तो वेद व्यास जी लिखते हैं जन्मर्क्ष योगे, जब भगवान का जन्मदिन था उस दिन आश्चर्य में पड़ गई, थोड़े देर बैठी रही, फिर तुरंत कहती अरे गोपियों खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही हो? गोपियों ने कहा तो क्या करें, क्या करें? मैया बोली जाओ जाओ बादित्र, बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च, बादित्र बाजे बजवाओ, गीत गीत गवाओ, द्विज मंत्र कैश्च ब्राह्मणों को बुलवाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, मंत्रोच्चारण कराओ, वेद ध्वनि कराओ, वेद पाठ कराओ, रंगोली डालो, बंधन वारे बंधवाओ, गैया के गोबर से आंगन को लिपवाओ, ये सब करो, जाओ जाओ जाओ। गोपियों को आदेश दे दिया और गोपियां लग गई अपने अपने कार्यों में। कोई आम के बिल्कुल नव पल्लव लेकर के आई, आम के नए नए पत्ते ला करके बंधन वारे बना करके बांध दिए। कई कई गोपियां फूल तोड़ करके लाई, फूल से मालाएं बना करके सजा दिया। एक गोपी बैठी तो पूरा जो आंगन था गैया के गोबर से लीप दिया। फिर एक गोपी ने रंगोली डालनी प्रारंभ की। फिर कई गोपिकाएं भोजन प्रसादी बनाने में लग गई। कुछ निकली तो ब्राह्मणों को न्योता देने के लिए चली गई, कुछ कन्याओं को बुलाने चली गई, और ऐसी सब गोपिकाएं लगी हैं। लाला का जन्मदिन है, लाला का प्रथम जन्मदिन है,
नंद बाबा आए तो आते ही 10 लाख गायों का दान कर दिया कि आज हमारे लाला का प्रथम जन्मदिन है। खूब उत्सव की तैयारियां होने लगी और गोपियां सब व्यवस्था कर रही हैं और लाला पालने में लेटे हैं तो धीरे धीरे लाला को देख रही हैं। अब जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो सोते सोते भी मुस्कुराते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में, कोई कारण नहीं रहता, सो रहे हैं आंखें बंद हैं तो कहो मुस्कुराने लगे, कहो रोने लगे, कहो किलकारी मारने लगे, तो लाला पालने में लेटा है, कभी मुस्कुराता है, कभी जोर से किलकारी मारता है। और गोपियां इस सुंदर रूप को देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। सारी गोपियां अपने अपने काम में लगी हैं, कोई ये कर रही है, कोई वो कर रही है, सभी मैया ने जो आदेश दिया है। लेकिन जैसे ही नजर पड़ती है पालने में, लाला को देखती हैं और बस डूब जाती हैं, मन ही मन गान करने लगती हैं और बड़ा स्नेह उमड़ता है गोपियों के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए, लाला के लिए। इतना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, तैयारियां हो रही हैं और भगवान के प्रथम जन्मदिन के दिन कंस ने एक और राक्षस भेजा है जिसका नाम है सकटासुर। क्या नाम है? सकटासुर। अब सकटासुर आया, अदृश्य दिखाई नहीं देता, अदृश्य है। मैया ने भी खूब कन्हैया का अभिषेक करा दिया है, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, यमुना मैया के जल से स्नान करा के, पीली पीले वस्त्र पहना के, आंखों में काजल लगा के, माथे पर काजल का टीका ढिठोना लगा के, छाती पे काजल का टीका लगा के लाला को पालने में लिटा दिया। और मैया सोच रही है कि घर में तो बड़ी भीड़ भाड़ है, लाला ऐसे में तो सो ही नहीं पाएगा, इसलिए छकड़ा होता है, छकड़ा समझते हैं ना, बैलगाड़ी के जैसा, उस छकड़े के ऊपर कुछ सामान रखा है, दूध रखा है, दूध के भरे बर्तन, मिश्री के भरे पात्र, मेवों के भरे बर्तन रखे हैं और उस छकड़े के नीचे मैया ने पालना रख दिया कि यहां कोई नहीं आएगा परेशान करने। और वहां पहुंच गया सकटासुर। अब सकटासुर देख के कहता है कि बस इतना सा वजन बढ़ाना है और वजन बढ़ा करके इस छकड़े के ऊपर बैठना है, अपने आप छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा, कृष्ण दब करके पिचल करके मारा जाएगा। भगवान ने जैसे ही देखा कि योजना बना रहा है, और भगवान योजना नहीं बनाते, भगवान तो सीधा करते हैं, इसकी योजना ही बनती रह गई। भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू किया, हाथ पैर चलाना प्रारंभ किए, हाथ पैर चलाते 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 एक लात जब छकड़े में मारी तो छकड़ा पलट गया और छकड़े के नीचे सकटासुर दब करके मारा। और मैया का जितना भी दूध, दही, मेवा, मिष्ठान सब यहां वहां पूरे में फैल गया। अब जैसे ही सकटासुर मारा गया, छकड़ा पलटा, जोर से आवाज आई तो वहां दो चार बच्चे खड़े थे, उन्होंने देखा, मैया भाग करके आई, लाला को गोद में लिया, बच्चों से पूछा बताओ क्या हुआ। छोटे छोटे बच्चे, अब वो तो सही बोलेंगे, बच्चे कहते हैं, री मैया तेरे लाला ने ऐसी लात मारी छकड़े में कि छकड़ा 4-5 उल्टाई खाया, पलट गया। तो मैया ने भी गाली दे करके कहा, चलो जा यहां से, कुछ भी बोलते रहते हो, छोटा सा बच्चा छकड़े में लात मारेगा और छकड़ा पलट जाएगा। फिर बच्चों की बात कह करके कि ये तो बच्चे हैं, कुछ भी बोलते हैं, जाने दो। लेकिन बच्चों ने सही बताया था जो हुआ, जो देखा। और ऐसे सकटासुर का भगवान ने वध किया। सकटासुर का मतलब है संकट रूपी असुर, और ये सभी युगों में आता है और सबके जीवन में आता है। संकट किसके जीवन में नहीं आते, सबके जीवन में।
तो जब हमारे और आपके जीवन में ये सक्तासुर बार बार आक्रमण करे, एक संकट से हम निकले और दूसरा आ जाए, दूसरे से निकले और तीसरा आ जाए, तीसरे से निकले और चौथा आ जाए, तो घबराना मत, कृष्ण नाम संकीर्तन की गति बढ़ा देना। 5 मिनट भगवान का नाम लेते हो तो 10 मिनट माला से जपते हो, 5 माला तो 10, 10 माला तो 15, 15 माला तो 20, अपने आप आपके जीवन में आने वाला सक्तासुर मतलब संकट रूपी असुर समाप्त हो जाएगा। सक्तासुर मारा गया, कंस को भी चैन नहीं है, एक और राक्षस को भेज दिया, और ये जो राक्षस है ये वायु के बवंडर के रूप में आया। मैया यशोदा भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के बैठी है आंगन में, खूब धूल उड़ने लगी, तूफान आने लगा, तो मैया ने भी जल्दी से लाला को उठा के पालने में लिटाया और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। और ये जो तृणावर्त है आया पालने में से, इसने भगवान को उठाया और उठा करके ये आकाश में ले गया। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, तृणावर्त शांत रहो बात्या रूप धरो हरण, कृष्णम न भोगतो गन्तुम न सकनोद भूरी भार व्रत। भगवान तो शांति के साथ पालने में लेटे थे, लेकिन इस दुष्ट ने आकर के दुष्टता की, भगवान को उठाया, उठा करके आकाश में ले गया, उठा करके आकाश में ले गया, और आकाश में ले जाकर के सोच रहा है कि अब यहां से नीचे पृथ्वी पर कृष्ण को पटक दूंगा, कृष्ण मर जाएगा। पर भगवान ने तुरंत अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त को लगा कि मैं मेरे हाथ में किसी बालक को नहीं, किसी बड़े से पहाड़ को लिए हूं, और उसने खुद भगवान को छोड़ दिया। सोच रहा था कि छोड़ दिया है, गिरेगा, गिर के मर जाएगा, पर भगवान कहते हैं, अरे पागल, यही तो मेरी विशेषता है, एक बार जो मुझे पकड़ लेता है हो सकता है वो मुझे छोड़ दे, एक बार जो मुझे पकड़ लेता है हो सकता है वो मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका उद्धार नहीं कर देता, और गले ग्रहीत उत्सृष्टुम न सकनोद अद्भुतार्भकम्। और भगवान कृष्ण ने तृणावर्त का गला दबाया, मारा गया, और जब मारा गया तो भगवान ने मारा है, मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सीधे मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त, भगवान ने तृणावर्त का भी वध किया।